हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और डाटा स्ट्रक्चर की, जिसको कहते हैं लिंक लिस्ट। एरेज के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह डाटा को रखने के लिए एक और स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लिंक लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट। अब देखिए, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इसको समझने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कस्टमर हैं, ठीक है, और सेल्स पर्सन है। यानी कि सपोज ए ब्रोकरेज फर्म मेंटेन्स ए फाइल वेयर ईच रिकॉर्ड कंटेन्स ए कस्टमर नेम एंड हिज और हर सेल्स पर्सन, एंड सपोज द फाइल कंटेन्स द डाटा इन दिस मैनर। मान लीजिए ये आपके पास कोई फाइल में रिकॉर्ड स्टोर है, और रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे तो ये दिया हुआ है आपका कि कस्टमर, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्स पर्सन, ठीक। अब सपोज कीजिए, इसमें मान लीजिए से हम अभी चार ही एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 से 5, क्लियर। अब हमने कहा कि कस्टमर का नाम से मान लीजिए हमने लिखा से एडम्स, और सेल्स पर्सन का नाम है स्मिथ, ठीक। सेकंड में लिखा कस्टमर का नाम है ब्राउन और सेल्स पर्सन का नाम है रे। थर्ड एग्जाम में डिटेल में हमने लिखा कि कस्टमर का नाम हो गया क्लार्क और सेल्स पर्सन का नाम है जोन्स। नेक्स्ट है कस्टमर का नाम है ड्र्यू और सेल्स पर्सन का नाम है मान लीजिए रे। और फिफ्थ में हमने कहा कि से कस्टमर का नाम है इवांस और सेल्स पर्सन का नाम है स्मिथ। अब मान लीजिए कि किसी फाइल में ये डेटा स्टोर है, उसमें कस्टमर और सेल्स पर्सन का नाम स्टोर है। अब इसमें क्या होगा कि क्लियरली दिस फाइल कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर बाय द फॉर्म ऑफ टेबल। जैसा हमने ड्रॉ किया ऐसे हम कंप्यूटर में इसको सेव कर सकते हैं, जिसमें टेबल में दो कॉलम होंगे और पांच नाम होगा, ठीक। तो इस तरह से आप टेबल बना के कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हाउ एवर दिस मे नॉट बी द मोस्ट यूजफुल वे टू स्टोर डेटा। अब इसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप टेबल की फॉर्म में इसको स्टोर करें तो वो सबसे मोस्ट यूजफुल फॉर्म होगा। क्यों? वो इसलिए कि देखिए, इसी डेटा को अगर हम दूसरे ढंग से स्टोर करना चाहें तो इस डेटा को हम ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एक टेबल हमने बनाया, ठीक है, उस टेबल में क्या किया हमने, केवल कस्टमर लिया एक फील्ड, ये तो हो जाएगा कस्टमर, और यहाँ पे दूसरी फील्ड जो हमने लिया वो हमने लिया पॉइंटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जब हम डेटा सेव करेंगे तो मान लीजिए हमने कस्टमर का नाम फिर से हमने 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने लिख दिया। कस्टमर का नाम जैसे था वो हमने उठा के से एडम्स हो गया, ब्राउन हो गया, क्लार्क हो गया, ड्र्यू हो गया, और बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लिंक लिस्ट का। ये हमने कस्टमर सेव कर दिया। अब पॉइंटर क्या इंडिकेट करेगा, अब इसको हम बाद में बताते हैं। पहले आप देखिए सेल्स पर्सन, तो हमने क्या किया यहाँ पे सेल्स पर्सन की एक अलग टेबल बना दी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा सेल्स पर्सन, और सेल्स पर्सन देखिए कितने स्मिथ है, रे है, जोन्स है, तो हमने यहाँ लिख दिया स्मिथ, रे, जोन्स, क्योंकि तीन ही सेल्स पर्सन है, ठीक है। अब
अब मान लीजिए इसको हमने कहा से 1, 2, 3 इस तरह। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए एडम्स का जो सेल्स पर्सन था वो कौन था, स्मिथ। स्मिथ का यहाँ पे क्या है पॉइंटर, 1। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको लिख दिया 1। फिर इसी तरह ब्राउन है, ब्राउन का क्या है सेल, कौन है सेल्स पर्सन, रे। तो रे का पॉइंटर क्या है, 2। तो यहाँ हमने लिख दिया 2। फिर क्लार्क का जो सेल्स पर्सन है, क्लार्क का सेल्स पर्सन कौन है, जोन्स। अच्छा, रे, स्मिथ और जोन्स। तो यहाँ पे जोन्स का पॉइंटर क्या है, 3। तो हमने लिख दिया 3। फिर ड्रीव में आ जाइए, ड्रीव का सेल्स पर्सन कौन है, रे। रे का पॉइंटर क्या है, 2। और फिर इवांस में आ जाइए, इवांस का सेल्स पर्सन कौन है, स्मिथ है। तो स्मिथ का पॉइंटर हो गया 1। तो इस तरह से भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा कि एडम्स का सेल्स पर्सन कौन है, तो ये हमने दिखा दिया स्मिथ। फिर हमने कहा ब्राउन का सेल्स पर्सन कौन है, तो हमने दिखा दिया रे। तो ये हो गया। फिर क्लार्क का सेल्स पर्सन कौन है, तो क्लार्क का है जोन्स, तो ये हमने दिखा दिया जोन्स। उसके बाद ड्रू का कौन है, ड्रू का फिर से सेल्स पर्सन है रे, ठीक है। तो ड्रू को हमने फिर से दिखा दिया यहां से ऐसे रे। और फिर इवाम्स का सेल्स पर्सन कौन है, स्मिथ। तो इसको फिर हम दिखा सकते हैं इस तरह करके ये। तो इस तरह से अब इसमें देखिए क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ स्टोरिंग द डेटा वी हैव ए सेपरेट एरे फॉर द सेल्स पीपल एंड एन एंट्री कॉल्ड ए पॉइंटर इन द कस्टमर फाइल विच गिव्स द लोकेशन ऑफ ईच कस्टमर सेल्स पर्सन। तो इसमें क्या है कि हमने जो कस्टमर हैं उनका टेबल में डाटा सेव किया और जो उनका सेल्स पर्सन है उसको हम एक पॉइंटर से एंट्री दिखा रहे हैं जो उस लोकेशन पे जिस भी सेल्स पर्सन का नाम स्टोर है उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि पॉइंटर क्या होता है, जो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है ये पॉइंटर, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, एन इंटीजर यूज्ड एज ए पॉइंटर रिक्वायर्स लेस स्पेस देन ए नेम, हेंस दिस इज रिप्रेजेंटेड, दिस रिप्रेजेंटेशन सेव्स स्पेस स्पेशली इफ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर फॉर ईच सेल्स पर्सन। तो देखिए आपने अभी डाटा टाइप जब सी प्रोग्रामिंग के भी लेक्चर ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, उसको आप रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी सेल्स पर्सन का नाम स्टोर करने की वजह, नाम जो है वो ज़्यादा स्पेस घेरता है, और अगर हम इंटीजर उसकी जगह कोई पॉइंटर यूज़ कर रहा है, इंटीजर यूज़ कर रहा है, तो ये क्या करता है, लेस स्पेस घेरता है। तो इसीलिए हमको ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा कम स्पेस में काम हो जाएगा इस तरह के प्रेजेंटेशन से, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें लिंक लिस्ट की बात कहाँ से आती है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि सपोज द कंपनी वांट्स अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स फॉर ए गिवन सेल्स पर्सन। अब क्या है कि मान लीजिए ये तो हमने कस्टमर से सेल्स पर्सन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक। अब कंपनी क्या कहती है कि कंपनी किसी भी सेल्स पर्सन, जैसे 1, 2, 3 तीन सेल्स पर्सन है, इसके कौन कौन से कस्टमर है वो बताइए आप, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं, यहाँ यहीं पे हम तीसरी टेबल बना देना, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेल्स पर्सन और यहाँ पे हम पॉइंटर शो करेंगे किसके लिए, कस्टमर को दिखाने के लिए। अभी कस्टमर की भी नंबरिंग हमने की हुई है, तो सेल्स पर्सन कौन सा हुआ, मान लीजिए हम नाम दे रहे हैं स्मिथ, फिर रे और जोन्स, ठीक। अब स्मिथ के कस्टमर देखिए कौन कौन से हैं, स्मिथ के कस्टमर हैं आपके 1 और 5। तो यहां हमने लिख दिया स्मिथ कस्टमर हो गए 1, 5। रे के कस्टमर कौन कौन से हैं, 2 है, और रे के कस्टमर हो गए 2 और आप ये 4, ठीक है। तो इसके हो गए 2 और 4। और जोन्स के कस्टमर कौन से हैं, क्लार्क है, तो ये हमने लिख दिया 3।
तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये भी तरीका हो गया। तो पॉइंटर जब आप यूज करेंगे तो स्पेस कम घेरेगा, सबसे बड़ा फायदा ये है। और एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अनदर वेरी पॉपुलर वे टू स्टोर द टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहां पे बनाया कस्टमर, यहां पे हम शो कर रहे हैं कस्टमर, और यहां पे हम उसका दिखा रहे हैं लिंक। अब मान लीजिए हम दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, उसी एग्जांपल नहीं। ठीक, अब क्या होगा, यहां हमने कस्टमर मेंशन किया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे हमने कस्टमर लिखा, कस्टमर कौन कौन से हैं, या अगर हम उसी एग्जाम्पल को ले लें जो अभी तक हम लोग लेते आए थे। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन से कस्टमर थे, एडम्स था, उसके बाद ब्राउन, फिर क्लार्क, फिर ड्रू और इवांस। ठीक है, अब यहां पे सेल्स पर्सन की टेबल हम बनाए, ये हो गया सेल्स पर्सन, ये हो गया पॉइंटर। ठीक, अब सेल्स पर्सन हमने कौन कौन से थे इसको मैं देखना पड़ेगा पिछली स्लाइड में। ये थे आपका स्मिथ रे जोन्स, तो इसको आप लिखिए स्मिथ रे और जोन्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसको भी हमने 1 2 3, अब पॉइंटर मतलब स्मिथ के कस्टमर कौन कौन से थे, स्मिथ के कस्टमर थे यहाँ पे हमने नीचे बनाया था 1 5 2 4 और 3, तो यहाँ पे आप बना लीजिए 1 5 2 4 और 3, ये स्थिति थी यहाँ पे। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप यहां से, चूंकि रे का कस्टमर कौन सा है, 2, मतलब ब्राउन भी है, आप क्या कीजिए इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, आपने इस तरह दिखा दिया। ठीक, उस और रे के कस्टमर कौन है, ब्राउन है और फिर ड्रू है, तो यहां से आप दिखा दीजिए ड्रू है, और कोई होगा तो वो भी आप इस तरह दिखा सकते हैं। फिर इसी तरह स्मिथ के कस्टमर कौन कौन से हैं, 1 और 5, तो 1 है तो आप स्मिथ को ऐसे दिखा सकते हैं ये 1 पे, और यहां से आप दिखा दीजिए 5 पे इस तरह, और जोन्स का केवल एक कस्टमर है तो जोन्स को जो है 3, क्लार्क है तो आप जोन्स को डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हैं 3, तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, तो ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया है ये वाला, दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दिस टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक्ड लिस्ट, तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो एक एग्जाम्पल है लिंक्ड लिस्ट का। इसमें क्या होता है कि हाउएवर द टर्म्स पॉइंटर एंड लिंक आर यूजुअली यूज सिनोनिमसली। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंटर है आपका, और इस इधर हमने क्या दिया हुआ, इधर हमने लिंक दिया हुआ है, तो हालांकि ये दोनों जो टर्म है ये सिनोनिमिसिकली आप इनको यूज कर सकते हैं, इन दोनों को, दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, वी विल ट्राई टू यूज द टर्म पॉइंटर व्हेन एन एलिमेंट इन वन लिस्ट पॉइंट्स टू एन एलिमेंट इन ए डिफरेंट लिस्ट, एंड रिजर्व द टर्म लिंक फॉर द केस व्हेन एन एलिमेंट इन ए लिस्ट पॉइंट्स टू एन एलिमेंट इन द सेम लिस्ट। मतलब देखिए क्या हुआ, वैसे तो उन्होंने कहा है कि जो पॉइंटर वर्ड है, पॉइंटर
और लिंक। अच्छा, इसमें भी जो लिंक है तो यहाँ पे लिंक आप शो कर दीजिए। ये एडम, एडम का लिंक किससे है, स्मिथ से, तो यहाँ आपने वन लिख दिया। ब्राउन का किससे है, रे से, टू लिख दिया आपने। क्लार का किससे है, थ्री से, थ्री लिख दिया आपने। ड्रू का भी लिंक है किससे, ये आप देखिए, टू से, तो टू लिख दिया आपने। और इवाम्स का किससे है, स्मिथ से, तो फिर आपने वन लिख दिया। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि पॉइंटर और लिंक हालांकि सिनोनिम्स वर्ड हैं, लेकिन कब हम पॉइंटर यूज करते हैं और कब लिंक यूज करते हैं। तो देखिए, पॉइंटर कब यूज करते हैं कि द टर्म पॉइंटर व्हेन एन एलिमेंट इन वन लिस्ट पॉइंट्स टू एन एलिमेंट इन ए डिफरेंट लिस्ट। मतलब एक लिस्ट का एलिमेंट जब दूसरे लिस्ट के एलिमेंट को पॉइंट करता है तो हम पॉइंटर वर्ड यूज करते हैं। ठीक, और जब एक ही लिस्ट में या एक ही टेबल में कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को इंडिकेट करता है तो हम उसको लिंक बोलते हैं। यानी ये जो विद इन टेबल हमने बनाया है, ये ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया लिंक। और इस टेबल से इस टेबल, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंटर। इसीलिए हमने यहाँ पॉइंटर लिखा है और यहाँ पे लिंक लिखा है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको लिंक लिस्ट कहते हैं। और ये भी एक तरीका है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है आप, ये या कह लीजिए ये भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक और आपका टाइप का डेटा स्ट्रक्चर रहेगा ट्रीज, उसमें कैसे डेटा को स्टोर करते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी बेसिक से आपको, काफी इसीलिए क्लियर करके मैं पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।